अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ, आज जो बना रही हूँ मैं, वो है समोसे। क्योंकि आगे रमज़ान का महीना भी आने वाला है और मौसम इतना बात काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो आज हम समोसे बनाएंगे। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 कप तकरीबन मैदा है। 3 कप मैंने मेयरिंग कप्स लिए थे, आप देख सकते हैं ये वाले मेयरिंग कप, ये वाले मिलते हैं, ये 1 कप है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 कप है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप जो है नॉर्मल घर का कप भी ले सकते हैं, लेकिन जो कप आप लेंगे उसी से आप बाकी मेजरमेंट सारी उसी से करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 कप, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मेरे पास तकरीबन 3 कप ये मैदा है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें, वो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये मैं मेयरिंग ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, या आप एक चुटकी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ 1/2 जो है टेबलस्पून ज़ीरा। अजवाइन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ भी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा सौंफ भी ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे। अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। अभी आप देख सकते हैं 1/2 कप जो आप जिस कप से आप मेयर कर रहे हैं, मैदा जिस कप से लिया है, अगर मेयरिंग कप ले रहे हैं तो उससे, या घर का नॉर्मल कप ले रहे हैं तो वो उसका आधा जो है आपने यूज़ करना है। 1/2 कप पानी हम तकरीबन डालेंगे, क्योंकि हमने डो जो बनानी है वो बहुत हार्ड सी डो बनानी है, बिल्कुल नरम नहीं बनानी, तो मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हल्के हाथ से आप मिक्स कर लें, बिल्कुल अभी गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास, क्योंकि हमने हस्ता समोसे बनाने सब्जी बाज़ार के होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास 1/3 कप जो है वो ऑयल और जो बटर है वो मिक्स है। अगर आप लोग बटर डालना चाह रहे हैं, घी डालना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं पूरा ये 1/3 कप, या जो है वो ऑयल डालना चाह रहे हैं वो भी चल जाएगा, और ये मिक्स करके डाल रहे हैं, तो मैं ये मिक्स करके डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से आप पहले चम्मच से मिक्स कर लें। अब मैं इसे बिल्कुल हाथ से एक सख्त सी डो बना लूँगी, इसकी बिल्कुल नरम डो नहीं बनानी। यहाँ पे मैं इसी पानी से कोशिश करूँगी, ये जो मैंने घी और पानी डाला है, जो घी मैंने बताया आपको, ऑयल या घी दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं, और टोटली आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और टोटली आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरी डो जो है वो सख्त तो है, सख्त सी बन रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल थोड़ी क्वान्टिटी में, बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1/3 कप से भी कम जो है वो मुझे पानी चाहिए होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। मैं इसको तब तक गूंद लूंगी जब तक हमारे पास स्मूथ सी डो नहीं बन जाती। बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं, ये देखिए, अगर मैं आपको इसको चेक करवाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सख्त डो है। अगर आपकी डो नरम हो जाती है पानी ज़्यादा ऐड करने से, या आप घी जब ऐड कर रहे हैं, तो अगर ये डो आपकी नरम हो जाती है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें मैदे की क्वान्टिटी को बढ़ा लें। अगर आपने 2 कप मैदा डाला तो थोड़ा थोड़ा मैदा आप मज़ीद ऐड कर लें। लास्ट में जो स्टेप कर रही हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल उंगलियों पर लगाऊँगी, और इसके ऊपर इस तरह करके मैं डो को कवर कर दूंगी।
क्योंकि इस वजह से मैं कर रही हूँ क्योंकि हमने डो को हाफ एन आवर तक रखना है। एक जितनी ज़्यादा अगर आप इसे एक घंटे तक रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आधे घंटे तक रखते हैं। आपने ये ऑयल इसलिए इस पर लगाना है, ऑयल या बटर जो भी, ताकि ये ऊपर से इसके ऊपर जो है वो लेयर ना बन जाए, ड्राई लेयर बन जाती है अगर इसको आप ऑयल ही लगाएंगे। मौसम की फिलिंग बनाने के लिए हमने पहले मैंने आपको डो बनाना सिखाई है वो कैसे बनेगी, उसको मैंने जो डो मैंने बना के रख दी थी तकरीबन एक घंटे के लिए मैं रख दूँगी। अब जो है वो समोसों की फिलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने आलू थे ये कुछ मेरे पास 7 से 8 आलू थे दरमियानी साइज़ के भी और एक दो आलू जो है वो बड़ी साइज़ के थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से धो के उनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसके मैंने छिलके बिल्कुल साफ करके उतार लिए हैं। अब इनको हम मैश करेंगे, हमारे पास मैशर भी होता है मैश करने के लिए और आप हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं। अगर आलू अच्छे तरीके से गले हों तो वो हाथ से मैश हो सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें बिल्कुल हमें मोटा मोटा इसको मैश करना है। ये देखें मैंने तकरीबन सारे आलू को हाथ की मदद से मोटा मोटा मैश कर लिया है। जब में क्या करेंगे कि हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें तकरीबन 2 चम्मच हमने ऑयल ऐड कर लिया है। अगर आप बटर ऐड करना चाह रही हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पे रखनी है। अब जो आलू जो हमने मैश किए थे इसको हमने इनके अंदर स्लोली स्लोली डाल देंगे, बिल्कुल आहिस्ते से डालिएगा। सारे आलू डाल रही हूँ, डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है, अगर आलू आपके नीचे पैन के साथ चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच में ऑयल ऐड करूँगी मज़ीद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑयल कम है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच में ऐड कर रही हूँ इसमें दड़ा मिर्च, 4 टीस्पून हमने ऐड कर ली है। 4 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी, 1 चम्मच भर के मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, इसको मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया है, धनिया को मोटा मोटा पीस लें, बिल्कुल बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच भर के मैं जो है 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अभी जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें। फोर टीस्पून दो बार डालूंगी, अपने फ्लेवर के हिसाब से जितना आपको हंस पे ज़रूरत हंस पे जायका आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोग यूज़ करते हैं सुर्ख मिर्च नमक, ये चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से जितनी आपको अच्छी लगती हैं। अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना है तो आप इसमें मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और नमक भी इसी हिसाब से आप लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल मेरा जो फीलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने लास्ट में जो गरम मसाले में पत्ता होता है तेज़पात पत्ता जो है उसको मैंने ऐड किया था। अब जो है इस फिलिंग को बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, बिल्कुल गर्म आपने यूज़ नहीं करनी। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट इसको रहने देंगे आप, फिर आप इसको यूज़ कर लेंगे, गर्म इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो डो मैंने बनाई थी समोसों के लिए वो मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दी थी और 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल है बिल्कुल ऐसी है और बिल्कुल ये हार्ड है, इससे बहुत अच्छे समोसे बन जाएंगे। अब इंशाल्लाह हम लोग समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए आप अपने काउंटर को अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें, और अगर आप पर बेलन है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ का बेलन हो, और अगर नहीं तो आपका जो काउंटर है किचन का उस पर आप बना सकते हैं। इसलिए इस पर सबसे पहले आप मैदे को डस्ट करेंगे,
बिल्कुल आराम से इसको मैदे को डस्ट करेंगे। फिर आप तकरीबन इस इतना जो आपकी डो है उसमें से बिल्कुल इतने साइज को ले लेंगे और इसका अच्छे तरीके से पेड़ा बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे अच्छे तरीके से बना लें ताकि पेड़ा बिल्कुल स्मूथ हो। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से बना लें ताकि ये इधर उधर से ख़राब ना हो, बिल्कुल गोल हो और इस राउंड का पेड़ा बना लें। ठीक है, इतने साइज़ के आप पेड़े बना लेंगे, जितने आपके डो से बन सकते हैं इतने साइज़ के आप पेड़े बना लें। मैंने तकरीबन 3 कप मैदा लिया था, उससे तकरीबन मेरे पास जो है वो 10 पेड़े बने हैं और ये एक छोटा सा जो है छोटे साइज का पेड़ा बना है, इससे 1 समोसा बच जाएगा। और आप तकरीबन 21 समोसे इससे आराम से बना सकते हैं। ये 21 समोसों की मैंने आपको रेसिपी बताई है। इसके बाद आपने अगर ज़्यादा बनानी है या कम क्वान्टिटी लेनी है तो उस हिसाब से आप इन्ग्रीडियंट को डाल सकते हैं। ये जो मैदा हमने डस्ट किया था, अब जो हमारे पास ये पेड़ा बना होगा इसको काउंटर पर आपने रखना है इस तरह। काउंटर पर रखने के बाद आपने पहले इसको गोल बेल लेना, तकरीबन 2 से 3 इंच जो है इसको गोल बेलेंगे हम। पहले हम 2 से 3 इंच इसमें मैदा जो है बिल्कुल डस्ट करके हम इसको गोल बेल लेंगे। जब हमारे पास ये इतना गोल हो जाए बिल्कुल, अब बिल्कुल हमने इसे क्या करना है कि लंबाई में इसको ज़्यादा बेलना है और चौड़ाई में इसको कम बेलना है। कैसे कि ये मैं इसको इसके बाद लंबाई में ही बेलूंगी। थोड़ा थोड़ा मैदा आप डस्ट करते जाएं ताकि ये ख़राब ना हो। ये चेंज कर लिया है तो बिल्कुल थोड़ा सा हम चौड़ाई में करेंगे। अब हमारा जब समोसा इस तरह हो गया है, यहाँ पे सिर्फ इसकी जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। या हमने निशान लगा दिया, आपको नजर आ रहा होगा ये निशान। अब बिल्कुल इस निशान से हमने काट लेना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट कटेगा। ठीक है, ये जो है मैंने समोसों की बाइंडिंग के लिए जो है ये बनाया है एक मिक्सचर सा। इसे मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है, जो हमारे पास चावल खाने का चम्मच है, 1 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल लिया है और तकरीबन थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसका एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी, इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी बना ली है। ये पेस्ट मेरे पास तैयार हो गया। अब हम करेंगे क्या, पहले ये जो हाथ है उंगलियाँ ये यहाँ पर हम सेंटर में रखेंगे और समोसे की एक साइड को हमने उंगलियों पर रखना है। उसी साइड पर हम थोड़ा सा जो है ये जो हमने बनाया है पेस्ट इसको लगाना है। फिर दूसरी जो हमारी समोसे की साइड है इसको पहली साइड के ऊपर हमने पलट देना है। ये देखिए हमारे समोसे की ये बिल्कुल ये बना। अब जो हाथ हमने रखा हुआ था दूसरा हाथ इसमें रख के इसको बिल्कुल एक पॉकेट बना लेना है। ये देखिए ये एक पॉकेट सी बन गई है, ये आप देख सकते हैं। अब जो ये मेरे पास समोसे की पॉकेट सी बन गई है, उसमें हमने जो फिलिंग तैयार की है आलू की वो आप इसमें डाल लेंगे। ये ऐसे करके अपनी मर्जी से जितनी आपको समोसे में डालनी है आप डाल सकते हैं। ये हम डाल लेंगे ऐसे, थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, ये तल गई। अब हमने क्या करना है इसको काउंटर पे रखना है। फिर से रख के आप देख सकते हैं कि ये इसका गोल वाला हिस्सा है और ये इसका बिल्कुल स्ट्रेट वाला हिस्सा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाया है वो जो पीछे वाला इसका गोल सा
हिस्सा है, ये वाली जो पार्ट है इस पर हमने इसको ऐसे करके लगा देना है अच्छे तरीके से। और जो हमारे पास बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है इसको इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख देना है और ये बंद हो गया समोसा हमारा। देखिए कितना अच्छे से ये हमारे पास बंद हुआ है समोसा, बिल्कुल बाजार जैसा समोसा हमारा लग रहा है। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें मैंने 2 से 3 बार जो है समोसे डाल के निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी समोसों की ज़्यादा थी तो मैंने पहले 2-3 बार जो है वो समोसे डाल के उनको फ्राई कर लिया है, इसलिए ये नीचे जो आपको समोसों का ये नज़र आ रहा होगा। हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल को गर्म करना है, तो इसमें जो है वो दो तकरीबन दो समोसे हमने डालने, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो जो समोसों की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से ये समोसे फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये फ्राई होने चाहिए। आपने ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, पहले अच्छे तरीके से एक तरफ से ये फ्राई हो जाए, फिर आपने जो है वो दूसरी तरफ से इसको फ्राई करना है। अब मैं इस समोसों की साइड को अब देखें चेंज कर रही हूँ बिल्कुल आराम से। ये देखिए हमारे पास समोसों का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, तब तक आपने समोसों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। गोल्डन फ्राई का मतलब है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से इसका कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखें इसमें कलर अच्छे तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे समोसे रेडी हो रहे हैं, ठीक है। कुछ 1 सेकेंड के अंदर ये बस पक जाएंगे और इनको हम लोग निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद जो है मैं तकरीबन दूसरे समोसे तक ऐड करती हूँ जब तक इनका ऑयल अच्छे तरीके से निकल जाता है। अब देखें इतना अच्छा तरीके से ऑयल गर्म है, अब इसके ऑयल को हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ये हम मेरे समोसों की फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और अच्छे ये समोसे बने हैं। इसको आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ इंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ये इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें।